हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टार्ट ऑफ व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं करी हूँ सुबह के 8 बजे से। और आज अभी तक धूप नहीं आई है, यहाँ कहना नहीं पड़ता कि मौसम सही हो रखा है करके। 2 दिन धूप सुबह आ गई थी, 7:15 में धूप अच्छे से आ गई थी, लेकिन आज ना अभी तक धूप नहीं आ रही है और पूरा कोहरा लगा है। वैसे धूप आएगी क्योंकि बादल नहीं लगा है, कोहरा लग रखा है। बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड हो रही है आज 8 बजे तक भी। आपको एक बार मौसम दिखाते हैं, फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ क्योंकि अभी सिर्फ झाड़ू लगा रखा है और ठंडी बहुत हो रही है। ऐसा होता है ना, किसी किसी दिन ठंडी होती है लेकिन नॉर्मल सी होती है, लेकिन आज पूरे हाथ पाँव की जो उंगलियाँ हो रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हो रही हैं। तो आपको मौसम दिखाते हैं कैसा हो रहा है करके। बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, आज मौसम तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, बाकी बाकी कोहरा लग चुका है। मैंने आप लोगों को दिखाया था, जैसे बाकी मेरा नाश्ता बन चुका है और मम्मी हम लोग आज जा रहे हैं कैंटीन क्योंकि पापा सुबह चले गए थे ठंडे में टोकन लेने के लिए, तो टोकन मिल गया था। अब जाते हैं, ताई को नहीं मिल पाया आज भी टोकन क्योंकि वो थोड़ा लेट गए और हमारे तो पापा जी चले गए थे ना तभी। और नाश्ता हमारा बन चुका है, आलू की गुटके रोटी और चाय साथ में क्योंकि ठंडी हो रही है। और आलू के गुटके आज बहुत दिनों में बने, वैसे जब पति देव होते थे ना घर तो सुबह ज्यादातर आलू के गुटके, आलू के पराठे, गोभी के पराठे यही बनते थे। दोस्तों, फाइनली मैं हो चुकी हूँ कैंटीन जाने के लिए तैयार और मौसम भी अच्छा खुल गया है। आपको दिखाते हैं सूर्य देवता कहाँ पे पहुंचे हैं करके। अभी हल्का हल्का कोहरा दिख रहा है लेकिन मौसम खुल गया और सूर्य देवता पहुंच गए यहाँ पे। आज हम जा रहे हैं घूमने और पापा जी घर में ठंडे में पापा के सुबह गाल लाल लाल हुए थे टोकन लेते टाइम। अब धूप से को तो हम पहुंच गए हैं घर कैंटीन से सामान लेके। अब दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या लिया आज। तो हम पूरा पूरे कैंटीन का सारा सामान उठा के ला गए अब एक ही दिन में इतना सारा। तो दोस्तों, हम आज इतना सारा सामान लेके आए और ये कैंटीन के रेट में तो मतलब 3,500 मतलब 3,570 का है और वैसे सिविल रेट में तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा क्योंकि उसका आधा आधा रेट हो जाता है ना। मम्मी सारा सामान पेटी में डालने लग दी। हम लाए थे 6 सर्फ के पैकेट। मम्मी को कौन सा वाला देना है? और हम लाए थे 3 नमकीन, 2 हाजमोले और कपड़े धोने वाले साबुन, बर्तन धोने वाले साबुन, हार्पिक बेसन, शैम्पू, फेस वॉश, नहाने वाला साबुन।
और हैंड वॉश हार्पिक। वैसे आज ठीक ही है, उधर जाके ना सारा सामान मिल गया, जो पूरा मिल गया यहाँ। खाली कैंटीन जाओ सामान। छुट्टी का दिन है शायद। हाँ, और हम लेके आए 10 मैगी और 3 सब्जी मसाले। बर्तन धोने वाले साबुन अलग है ना ऐसे। हमारे 2 महीने का कोटा पूरा हो गया है, इसमें से मैं अपने लिए लेके आई, मतलब अपने रूम पे भी लेके आ गई हूँ मैं। एक तो विक्स चाहिए था, कभी भी सर में दर्द होती थी उसके लिए, और दूसरा 2 हाजमोली की डिब्बी लाई थी मैंने। इस बार पति देखो बहुत परेशान किया था, हाजमोली लेके आओ, ये लेके आओ, क्योंकि बचपन में ना बहुत ज्यादा स्कूल टाइम पे किस किसने खाई है जरूर बताना। परी होती है एक, वो परी आती थी मटर परी, और दूसरा हाजमोला या पचवाले हम बहुत ज्यादा खाते थे, मतलब टेस्ट के लिए, तो मेरे को अच्छे लगते हैं, और ये इमली वाले थे तो ये काफी अच्छे होते हैं, इसलिए ये वाले लाई। और दूसरा शैम्पू लेके आई, बड़े वाले तो मिले नहीं आज, छोटे वाले एक पहले से बचा हुआ है घर में। फिर हम 2 महीने तक कैंटीन नहीं जाएंगे ना, तो सामान चाहिए होता है, और कपड़े उड़ के सीधे खेत में पहुंच जाते हैं मेरे, तो चिमटिया लेके आए। बाकी ये मंदिर का सामान है तो मंदिर में रखेंगे इसको, अगरबत्तियां हैं, और क्या था, और मैं नमकीन लेके आई एक ऑल इन वन वाली, और दूसरी लाई थी मैं मूंग वाली, मूंग दाल वाली, और शोकेस टीवी इन सब के लिए हम लेके आए एक ऑल इन, साफ करने के लिए हो जाता है, थोड़ी चमक आ जाएगी इससे। बाकी एक मैं ओडोनिल लेके आई अपने वॉशरूम के लिए, और एक सर्फ लेके आए, मतलब एक क्या सर्फ तो 6-7 लेके आए हैं, तो अभी मैं ऊपर लेके आ गई हूँ, क्योंकि खत्म ही हुई था आज ही, बताया हमारा कैंटीन का सामान खत्म हुआ, और आज अच्छा नंबर भी लग गया था, तो तभी अब इसको डाल देते हैं बाथरूम में, डब्बे के अंदर डाल देते हैं सर्फ को, और ये सारी सामान रख देते हैं इनकी अपनी अपनी जगह पे, और मैं कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। कपड़े वगैरह हमने चेंज कर लिए हैं, और पापा जी ने बनाया था आज खाना, तो अब खाना ना खाते हैं, और उसके बाद रिव्यू देते हैं पापा जी को। पापा और दिना हमको बोलते हैं ना, तुमने ऐसा बनाया ऐसा बनाया, आज अच्छा बना, आज थोड़ा वैसा बना, आज हम भी बोलेंगे पापा को, बोलेंगे दूसरे दिन से बनाऊंगी। दोस्तों दिन का खाना हमारा हो गया था, और पापा जी ने खाना A1 बनाया था, मतलब कि उसमें घी नहीं डाला था ना, तो दाल मस्त हो रही थी और चावल भी। फिर हम थक के आए थे वहाँ से, मतलब थके तो क्या, मैं तो क्या थकी, मैंने कम ही सामान पकड़ा था, मम्मी ने पकड़ा था ज़्यादा, तो फिर दूर था ना यहाँ से, और वहाँ बोर हो गए थे, फिर भूख भी लग गई थी, 1:30 बज गए थे, तो खाना अच्छा बना था, खाना वाना खाया, उसके बाद रेस्ट किया। बाकी रेस्ट करके मैं उठ चुकी हूँ, और अब घूमने के लिए जाते हैं नीचे को। फिर अभी मैं सोऊंगी ना, मतलब सोई नहीं, मैं फ़ोन ही चला रही थी, अगर अभी सोऊंगी ना फिर रात को नींद नहीं आती है, तो फिर अजीब सा होता है, फ़ोन भी कितना चलाओ आँखों में अजीब सा हो जाता है रात को फ़ोन चलाने में। तभी अब जाते हैं नीचे को मम्मी लोगों के साथ घूमने के लिए, बाकी नीचे चलते हैं। रोगी इसे ले और दिखाना है। ले, कुत्ता तो नहीं देखा इसने कहीं? दादी सीधा नहीं, तुमसे उधार लग गया ना, कल आ जाऊंगी, चल कल आ जाऊंगी। हाँ तो भी चिंता का उधार दोस्तों। शाम को घूम घाम के हम पहुंच गए थे घर, और आज हम प्याज के पत्ते की और आलू की सब्जी बना रहे हैं। इस सीजन में प्याज के पत्ते होने लग जाते हैं, तो प्याज के जो हरे पत्ते होते हैं उनकी सब्जी, और साथ में आलू की, तो मट्ठे वाली सब्जी बना रहे हैं हम अभी। दोस्तों रात का खाना हमारा हो चुका है, और अभी गेहूं की रोटी और मिले चावल के माड़े, और प्याज और आलू की सब्जी बनाई थी प्याज के पत्तों की। बाकी आज मैं माड़े बनाए थे ना, मेरे को अजीब सा लगा था, क्योंकि जब भी मट्ठे वाली सब्जी होती है ना, तो पति देव बोलते थे कि माड़े बनाओ माड़े बनाओ, जबरदस्ती करते थे, मतलब माड़े बनाओ करके, मन नहीं भी होगा ना, फिर बनाना पड़ता था उनके लिए, तो याद आ रही थी उनकी कि मतलब मैं माड़े खा रही थी और वो नहीं थे घर पे।
चलो अब कोई ना, छुट्टी आएंगे फिर खाएंगे। बाकी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।